वास्तुशास्त्र में यदि हमने गलत दिशा में सीढ़ी बना लिया है तो उसका दोष निवारण क्या है? गलत दिशा उत्तर से लेकर के ईशान कोण से पूर्व तक की स्थिति में कोई भी दिशा पर, या तो यदि आपने उत्तर में बना लिया है या ईशान कोण में बना लिया है या पूर्व में सीढ़ी बना लिया है इस प्रकार की जगह पर, तो उसका वास्तु दोष निवारण किस प्रकार से करें? यदि आपने सेंटर में भी सीढ़ी बना लिया है तो उसका भी दोष निवारण किस प्रकार से करें? तो देखिए, दोष निवारण करने के लिए हमको इस कोण को, चूंकि ये पृथ्वी तत्व को का प्रतिनिधित्व करता है, ये जगह, ये जो मैंने रेड कलर पे बनाया हुआ है, इसको नैऋत्य कोण को दक्षिण पश्चिम तक के स्थिति को हमको भारी करना होगा और ऊंचा करना होगा। पहला उपाय तो ऊंचा करना होगा। यदि आपने सीढ़ी यहां बनाया है तो इसका जो ममूटी ऊपर जो बनाता है, जो बाहर खुलता है, उसके ऊपर आपने जरूर छत या छज्जा निर्माण किया होगा। उससे अधिक ऊंचाई का सेड हम नैऋत्य कोण में बना दें, यह उपाय कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए, यदि आप ऊपर सेड नहीं बनवा पाते हैं किसी स्थिति में, तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए यहां पर पोल लगा सकते हैं। इस स्थिति में आप पोल लगा सकते हैं। यहां को भारी करना है आपको, तो जितने भी घर के वार्डरोब्स हैं, अलमारी हैं या ट्रंक हैं, वो इस दिशा में रखकर हम इस दिशा को भारी कर सकते हैं। यहां के फ्लोर को भी आप ऊंचा करा लें। यदि इससे यहां नीचा है फ्लोर, तो इसके फ्लोर को भी आप ऊंचा करा लें। अब बात करते हैं कि ईशान कोण, यदि आप इस दिशा में सीढ़ी बनाए हैं, यहां बनाए हैं, यहां बनाए हैं, तो मान लीजिए आपने सीढ़ी यहां बनाया है, तो यहां यदि आपने खिड़की दरवाजे बनाए हैं तो उसको अधिक से अधिक खुला रखने का प्रयास करें। यह भी एक दोष निवारण उपाय है, अधिक से अधिक तक इस स्थिति में। या मान लीजिए आपने सीढ़ी इधर बनाया है तो इधर के जो विंडो हैं, आपकी खिड़कियां हैं, उसको खुला रखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक समय तक के लिए उसे खोलें। अब आग्नेय कोण में आप क्या करना है? आग्नेय कोण को आपको रेड कलर देना है। रेड कलर करने के लिए आप सामान्य उपाय करना चाहते हैं तो बल्ब लगा लें, यहां के दीवारों को रेड कलर करा लें, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। यहां की सीढ़ी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो हम यहां से उसको मजबूत करेंगे। यहां से मजबूत करने के लिए यहां पर आप रेड कलर का गलीचा लगा सकते हैं, रेड कलर के बल्ब लगा लें, रेड कलर के दीवारों पर रंग करा लें, पेंट करा लें, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आग्नेय कोण को भी खुला ना छोड़ें। यदि आपका आग्नेय कोण भी खुला है और यहां सीढ़ी बना हुआ है, तो ये भी दोष हो जाएगा। तो इसको भी आप कवर करें, इसको किसी स्थिति में भी खुला ना छोड़ें, यदि आपका सीढ़ी यहां बना हुआ है तो। इस प्रकार से नैऋत्य कोण को भारी करना है, आग्नेय कोण में रेड कलर का उपयोग करना है, और इस प्रकार से करके हम सीढ़ी के गलत निर्माण के दोष निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।